अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम अफजल खान है और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल अफजल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग फेसबुक पर डिसेबल अकाउंट कैसे रिकवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वी हैव डिसेबल ड्यूअर अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फेसबुक वालों ने जो है मेरा फेसबुक अकाउंट जो है डिसेबल कर दिया है। हालांकि ये मेरे एक सब्सक्राइबर है उसका अकाउंट है जो कि फेसबुक वाले ने डिसेबल कर दिया है। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं डाउनलोड यूर एंड परमिशन, इसके बाद रेड मोर अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब इसको सबसे पहले दोस्तों आप लोग ने क्या कर देना है कि आप लोगों ने अपने जो डिसेबल अकाउंट है ये आप लोग ने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोग ने दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर आना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन जैसे आप लोग ओपन करोगे तो दोस्तों आप लोग ने सिंपली सर्च बार पे आना है। जैसे आप लोग सर्च बार पे आओगे तो आप लोग ने यहाँ पे टाइप कर देना है फेसबुक। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर फेसबुक को टाइप कर देता हूँ। फेसबुक टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोग के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने सिंपली फेसबुक पर क्लिक कर देना है। फेसबुक पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे ऐप सपोर्ट और इसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, तो आप लोग ने इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को चार ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के पास जो है फेसबुक का ये जो ईमेल है ये डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद आप लोग का जो ईमेल है वो भी यहाँ पर लग जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने सब्जेक्ट की जगह टाइप कर देना है माई अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने इस तरह कुछ टाइप कर देना है माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। इसके बाद दोस्तों आप लोग ने कंपोज ईमेल की जगह एक अपील लगा देना है, और अपील के साथ साथ आप लोग ने अपील के आखिर में जो अकाउंट का इंफॉर्मेशन है वो भी लगा देना है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर सब कुछ लगा देता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपील को पेस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल और अकाउंट का लिंक है वो सब कुछ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसके लिए आप लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने थोड़ा सा वेट कर देना है। जी बिल्कुल गाइस, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो अकाउंट का इंफॉर्मेशन है जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आप लोग ने अपील करने के लिए आप लोग ने थोड़ा सा वेट कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल सब कुछ यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद आप लोग ने थोड़ा सा वेट कर देना है, मैं यहाँ पर अकाउंट का लिंक लगा देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग ने क्या कर देना है कि आप लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर देना है। वेट करने के बाद मैं यहाँ पर वही क्रोम पे आता हूँ, और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर आप लोग ने उस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सर्च पे क्लिक करोगे तो आप लोग का जो लिंक है वो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट लिंक का जो ऑप्शन है इसके सामने आप लोग ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे क्या कर देना है कि आप लोग ने ऊपर सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेंड करोगे तो आप लोग का जो अपील है वो फेसबुक टीम को चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से जो है अपने फेसबुक अकाउंट के लिए अपील भेज सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोग ने नोट कर देना है कि आप लोग ने एक हफ्ते तक या दो हफ्तों तक मुसलसल इस तरह कर देना है, फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग के साथ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिया है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।